नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 27 जून को जो प्रपोज स्ट्राइक बैंकर्स की है, उसके एवज में सीएलसी का कॉन्सिलेशन मीटिंग आज 21 जून को होना था और ये मीटिंग दिल्ली में आज संपन्न हुआ। मैसेज फ्रॉम दिल्ली, एक ट्वीट AIBA का आया है जिसके हिसाब से टुडे देयर वाज कॉन्सिलेशन मीटिंग बाय सीएलसी। IBA and Deputy Secretary of DFS attended. We suggested that if IBA can give a firm commitment to resolve the demands within an agreed time limit, we may consider our invitation. IBA did not agree to give any such commitment. Hence, we required to go ahead with our program. CLC advised to hold वन मोर कंसिलेशन मीटिंग ऑन 23rd। ये इंफॉर्मेशन AIBA की तरफ से और AIBA की तरफ से आया है, जिसके अनुसार आज CLC की मीटिंग जब हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, जब यूनियंस ने UFBU ने कमिटमेंट मांगा IBA से, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए IBA कोई कमिटमेंट दे, लेकिन IBA इस पर राजी नहीं हुआ। और लेकिन CLC ने फिर से एडवाइस किया कि क्यों ना एक मीटिंग, कंसिलेशन मीटिंग 23 जून को हो। फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जब IBA अथवा DFS किसी ऐसे बात पे कमिटमेंट देगा। 23 जून का जो कंसिलेशन मीटिंग है वो भी एक फॉर्मेलिटी है, चूँकि CLC को अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए ऐसी मीटिंग करना जरूरी होता है और वो मीटिंग करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 27 जून का स्ट्राइक होना ही होगा। उस स्ट्राइक के बाद क्या रिजल्ट होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्ट्राइक फिर से होगी। फ्रेंड्स, ये अपडेट था। और इसके अलावा ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र गांधी मोदी साहब को एक पत्र लिखा 20 जून को, जिसका हेड ऑफिस है तिरुवनंतपुरम, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ पेंशन इन बैंक्स। फ्रेंड्स, इस पत्र का दो पेज का ये पत्र है, जिसमें वही सब डिटेल बातें लिखी हुई हैं कि कब पेंशन शुरुआत हुआ, कब पेंशन होना था, कैसे पत्र लिखा गया, मतलब ऐसा कोई कॉन्क्रीट ऐसा चीज़ नहीं है जिसको बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा हो। लेकिन मैं फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आपको सुनाता हूँ, बाकी मैं पत्र शेयर करूँगा, आप इसे अब खुद स्वयं ही पढ़ें। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट बैंक रिटायरी एसोसिएशन, हैविंग फाउंडेड ऑन 17/11/91, वी हैव इंडीड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल व्हेन पेंशन सेटलमेंट वॉज साइन on 29th October 1993, and during its implementation we have indeed constructively playing our role by acting as a link between various important authorities and the bank retirees. Aur uske baad thodi si pura details likha gaya hai, last mein likha gaya hai, respected sir ji, we crave your indulgence with compassion, empathy and sympathy. The Reserve Bank retirees have immensely contributed to the economic condition of the bank retirees have immensely contributed to the economic condition of the country during the working years. They are in the last quarter light of their life. They are the persons who had shouldered the responsibility of building a nation in general and society or community in particular. While in service, utilizing their experience in the life and working, the strong shoulder of young person are created to substitute and rest the responsibility upon them. While demitting the office, they need your support. We seek your kind perusal, personal indulgence and revise their pension. We do hope that you would ensure that they see fruits of your positive decision shortly. Thanking you, Sri प्रसाद सिंह, जनरल सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, इस तरह का पत्र हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन लगातार
लिख रहे हैं और इतने डिफरेंट एसोसिएशंस हैं कि बार बार ये पत्र लिख रहे हैं और उनका एक ही मुद्दा होता है जिसका समरी एक ही है कि वांट पेंशन अपडेशन, और उसको ही हम अपनी डिटेल बातें लिखते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में क्या होता है ये तो सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है, परंतु हमें ये लगता है कि हम रिटायर्ड व्यक्ति जो रिटायर्ड एसोसिएशन के लोग हैं अपने पास कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए हर समय वो किसी भी वित्त मंत्री को, कभी एफएम को, प्राइम मिनिस्टर को, और कभी अन्य किसी हस्तियों को लिखते रहते हैं इस आशा में ताकि हमारा ये काम जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।